तो एयरप्लेन्स ह्यूमंस के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस क्रिएशन है। इसके वजह से हम मीलों की दूरी कुछ ही घंटों में कवर कर सकते हैं। पर जैसे कि हम जानते हैं कि हम ह्यूमंस के लिए ये हमेशा से पॉसिबल नहीं था, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। एंटर 19th सेंचुरी। ये वो समय था जब ह्यूमंस की आसमान में उड़ने की डिटर्मिनेशन के वजह से बहुत न्यू मशीन्स टेस्ट किए जा रहे थे, बट हर डिजाइन में कोई ना कोई कमी रह जाती थी। फाइनली एक अटेम्प्ट सक्सीड हुआ, और जैसे कि आप जानते हैं ये टेस्ट किया था राइट ब्रदर्स ने। उनका एयरक्राफ्ट मॉडल एक सक्सेस था बिकॉज ऑफ एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन इन फिजिक्स, द एयरफॉइल टेक्नोलॉजी। तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हमें ये जानना होगा कि एयरक्राफ्ट के फ्लाई होने के लिए कौन से फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली दो फैक्टर्स इसके लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक एयरक्राफ्ट के फ्लाई होने में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसका टेक ऑफ, और दूसरा उसका नेट फोर्स को जीरो मेंटेन रखना। राइट ब्रदर्स के पास इसका जवाब था। उन्होंने ऐसे विंग्स बनाए यूजिंग द एयरफॉइल टेक्नोलॉजी, जो यूज करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एयरक्राफ्ट को बैलेंस करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक एयरक्राफ्ट के होते हैं उसके विंग्स। उसके विंग्स ही होते हैं जो उसे ड्यूरिंग टेक ऑफ, बैलेंसिंग और लैंडिंग में हेल्प करते हैं। एयरफॉइल टेक्नोलॉजी में राइट ब्रदर्स ने कर्व्ड शेप के विंग्स बनाए। ये विंग्स के कर्वेचर के वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवांटेज मिलता है एयरक्राफ्ट को ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड फ्लाइट। कर्व्ड शेप के विंग्स एयर मॉलिक्यूल्स को डिफ्लेक्ट करते हैं डाउनवर्ड्स। This is because of Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. So, wings ka downward force on air molecules deta hai ek upward lift aircraft ko. Ye lift counter karta hai gravity ke downward force ko aur aircraft mein zero net force maintain rakhta hai. Ab kyunki aircraft balanced rahega in air, to usko ek tarah ka propulsion, yani ki forward force chahiye, right? To ye propulsion dete hain propellers, जो कि लार्ज फैंस टाइप होते हैं, और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड एक्सेलरेशन देते हैं। तो ये था बेसिक मॉडल राइट ब्रदर्स के प्लेन का, और ये सारे फैक्टर्स की वजह से उनका एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल रहा। अब हम आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो इनका भी वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल सेम ही होता है। हाउएवर इनके विंग्स बहुत एरोडायनामिकली एडवांस होते हैं और सिस्टम कंट्रोल होते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस। सो लेट्स हैव अ लुक। एक एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली फ्लाई होने में जैसे हमने डिस्कस किए, सारे फोर्सेस के बैलेंस होना जरूरी है। तो जैसे ग्रेविटी और लिफ्ट फोर्स का बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही प्रोपल्शन और उसके ऑपोजिंग फोर्स का भी बैलेंस होना चाहिए। इस ऑपोजिंग फोर्स को ड्रैग फोर्स कहते हैं। एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक डिजाइन इस ड्रैग फोर्स को कम से कम रखने में बहुत ही हेल्प करते हैं, ताकि प्रोपल्शन एक फॉरवर्ड एक्सेलरेशन इजीली क्रिएट कर पाए। इनफ एक्सेलरेशन मिलने पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर लेता है बिकॉज ऑफ द लिफ्ट क्रिएटेड फ्रॉम द कर्व्ड विंग्स। मॉडर्न एयरक्राफ्ट के विंग्स एक कलेक्शन होते हैं ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये पार्ट्स होते हैं फ्लैप, स्लैट्स और एलेरॉन्स। टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स और स्लैट्स एक्सटेंड हो जाते हैं नीचे की तरफ, इससे विंग का सरफेस एरिया और कर्वेचर बढ़ जाता है। ये दो रीजंस की वजह से ज्यादा एयर डिफ्लेक्ट होता है, जो एक बेटर लिफ्ट देने में हेल्प करता है। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के बाद ये फ्लैप्स और स्लैट्स वापस से अंदर चले जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्लेन्स ड्यूरिंग फ्लाइट नेविगेट कैसे कर पाते हैं। तो नेविगेशन के लिए प्लेन्स में डिफरेंट टाइप्स के विंग अटैचमेंट्स होते हैं। ये विंग अटैचमेंट होते हैं एलेरॉन, एलिवेटर, रडर और स्पॉइलर। पायलट्स इन्हें इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, एलिवेटर्स यूज होते हैं टू क्लाइंब अप और मूव डाउन ड्यूरिंग अ फ्लाइट। रडर और एलेरॉन से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेन को लेफ्ट टर्न लेना है तो वो दो तरीके से हो सकता है। जैसे आप भी इमेजिन कर सकते हो कि रडर को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट इससे एलेरॉन से भी किया जा सकता है, और वो होगा द राइट वे टू डू इट, क्योंकि प्लेन और पैसेंजर्स को किसी टाइप का जर्क नहीं फील करना पड़ेगा। एलेरॉन्स से बेसिकली एक एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। ये डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं बाय मूविंग वन एलेरॉन अप एंड अनदर वन डाउन। इसके वजह से लिफ्ट फोर्स में डिफरेंस क्रिएट होगा और एयरक्राफ्ट एक तरीके से रोल हो जाएगा। और क्योंकि एयरक्राफ्ट फिर भी ऊपर लिफ्ट हो रहा है, तो इट क्लियरली मीन्स इट हैज चेंज्ड इट्स पैथ। अब फाइनली लैंडिंग के वक्त भी एक फाइनल अटैचमेंट यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पॉइलर। स्पॉइलर बेसिकली एयरक्राफ्ट के ड्रैग फोर्स को बढ़ाता है और लिफ्ट फोर्स को रिड्यूस करता है। इससे एयरक्राफ्ट का स्पीड कम हो जाता है और वो नीचे की तरफ लैंड होने लगता है। ये बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होता है, और एज अ रिजल्ट एयरक्राफ्ट को एक सेफ लैंडिंग मिल जाती है। तो इस तरीके से एक एयरप्लेन फ्लाई होता है। हमने ये जाना कि एयरप्लेन्स यूटिलाइज करते हैं द एयरफॉइल टेक्नोलॉजी, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। हमने ये भी जाना कि एयरक्राफ्ट डिफरेंट अटैचमेंट्स की वजह से टेक ऑफ कैसे करते हैं, मिडवे फ्लाइट कैसे मेंटेन रखते हैं, और फाइनली लैंड कैसे कर पाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं इन फ्यूचर, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। ये बिल्कुल ही फ्री है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।